आपका ओनली न्यू नेशन में। डीडी से चुनाव हारने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में तांडव मचाना शुरू कर दिया, क्योंकि कश्मीर में बुरी हार से हारी थी महबूबा मुफ्ती और उनका गुपकार गठबंधन। लेकिन अब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं और कश्मीर से जोड़ने जा रहे हैं कि इस समय महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों पर कैसे दुराचार कर रही हैं, महबूबा मुफ्ती कश्मीरियों को किस तरह से मौत के कुएं में धकेल रही हैं। क्योंकि महबूबा मुफ्ती देशद्रोही हैं, इसमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला देशद्रोही हैं, इसमें भी प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो तिरंगे का अपमान कर चुकी हैं। फारूक अब्दुल्ला भी जिनपिंग की मदद लेने की बात कर रहे थे, यानी कि आर्टिकल 370 को वापस कराने के लिए ये लोग हमारे दुश्मनों का साथ ले रही थी। इसीलिए आज कश्मीर की जनता ने जूतों और चप्पलों से पीटा है, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि डीडीसी चुनाव में किस तरह से हारी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती की धुलाई की है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद हम आपको जोड़ेंगे कश्मीर से और दिखाएंगे कि क्या हो रहा है कश्मीर में। बता दूं, टीवी डिबेट में जीडी बक्सी का महबूबा मुफ्ती पर तंज, जो कहती थी मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, चुनाव में दौड़ी दौड़ी आई जब दिखी ऑफिस की मलाई। जी हाँ, जीडी बक्सी ने तंज कसा है कि वो महबूबा मुफ्ती जिनके राज में कभी कश्मीर में खून की नदियां बहती थी, जिन्होंने हमेशा आतंकवाद और अलगावादियों को ही बढ़ाया है, जिन्होंने मासूम कश्मीरियों को जान से मरवाया है, लेकिन जब वहां पर वोटिंग हुई तो अब की जो वोटिंग हुई है, बात करें परसेंटेज की, तो 50% मतदान हुए, यानी कि लोग घर से निकले हैं, नहीं तो इनके गुर्गे जो हैं वो मासूमों को घर से निकलने नहीं देते थे, कत्ले आम कराते थे। तो अब हम आपको जोड़ने जा रहे हैं कश्मीर से और फारूक अब्दुल्ला पे बात कर लें। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले गुपकार गठबंधन को जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव में बड़ी जीत के साथ, जिस तरह से गुपकार गठबंधन वहां पे ध्वस्त हुआ था, उसके साथ बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। बता दूं, रिपब्लिक भारत पर डिबेट के दौरान पैनलिस्ट जीडी बक्सी ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस बार डीडीसी चुनाव में 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है, जहां खून की नदियां कहीं जा रही थी वहां 50% से ऊपर मतदान हुआ। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने उसमें हिस्सा लिया, जो कहती थी भारत की अर्थी को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगा, कैसे दौड़ी दौड़ी आई जब मलाई दिखी ऑफिस की, क्या पीडीपी और महबूबा मुफ्ती चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, अगर वो चुनाव में हिस्सा ना लेती तो हम मान लेते कि उन्हें सत्ता से प्यार नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वहाँ पर डीडीसी चुनाव जीतने के लिए पूरी जीत हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर डाली, यहाँ तक कि गठबंधन बना डाला, उसके बाद भी महबूबा मुफ्ती वो पराक्रम नहीं दिखा पाई जो पराक्रम वो दिखाना चाहती थी। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाले गुपकार गठबंधन को जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है। पिछले साल अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा हटाए जाने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद ये पहले चुनाव थे। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में पहली बार हुए जिला विकास परिषद चुनाव में गठबंधन ने 13 जिलों में जीत हासिल की है। जम्मू में 6 जिलों में भाजपा ने जीत हासिल की है। जिस तरह से गुपकार गठबंधन ने भले ही 100 से ज़्यादा सीटें हासिल कर ली है, लेकिन बात करें सच्चाई की जीत की, तो बीजेपी ने जो झंडा गाड़ा है उससे महबूबा मुफ्ती डरी हुई हैं, उससे महबूबा मुफ्ती के आंखों में आंसू छलक आए हैं, क्योंकि जीत जो महबूबा मुफ्ती ने सोची थी वो जीत उनको नहीं मिली है, सिर्फ और सिर्फ हार मिली है, और हार की वजह आज कश्मीर की जनता बन चुकी है। क्योंकि जिस महबूबा ने कश्मीरियों को मरवाया, जिस महबूबा ने कश्मीर की आम जनता के घर से बाहर कर दिया, घर छीन लिए, उनके परिवार को सदस्यों का कत्ले आम कराया और अलगावाद पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ाया, उन्हीं महबूबा की ये हार एक देश की जीत है। और आज
कश्मीर की जनता ने साबित कर दिया है कि देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्योंकि महबूबा के लिए अब कश्मीर में कोई स्थान नहीं है। ये आर्टिकल 370 की मांग इसीलिए करती हैं कि ये अपना वर्चस्व, कि ये अपना तांडव फिर से कश्मीर में दिखाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कश्मीर की जनता समझ चुकी है, क्योंकि कश्मीर में भी भगवा लहराया जा रहा है। अभी तक आर्टिकल 370 पाकिस्तान को दर्जा दे रहा था, पाकिस्तान का एक राज्य कश्मीर को बनाने की एक चाल थी, इसीलिए आर्टिकल 370 लागू था। और सबसे ज़्यादा आतंकवाद कश्मीर में क्यों पनपता था, क्योंकि आर्टिकल 370 था। हमारी सेना वहाँ पर मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाती थी, वहाँ के हमारे जो पुलिस जवान हैं वो जवान भी सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संचालन इन देशद्रोहियों के हाथ में था। और जब संचालन देशद्रोहियों के हाथ में होता है तो देश का बंटवारा और देश का कह सकते हैं विभाजन ही होता है, देश एक बर्बादी की कगार पर जाता है। और वही हुआ था अभी तक, लेकिन आज जो हो रहा है कश्मीर में उसमें कहीं ना कहीं जनता खुश है, क्योंकि जनता अब नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि हमें कहां पर किसको रखना है, कहां से किसको हटाना है। वही हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी हर राज्य में पैर पसार रही है, बीजेपी हर राज्य में पहुंच रही है, जहां पर कभी इन आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता था, जहां कभी ये आतंकवादी जिसको मर्जी उसको जान से मार देते थे, लेकिन आज जब वहां पर बीजेपी पहुंच रही है तो इस बात से स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी की जीत एक देशभक्ति की जीत है, और ये आतंकवादी जल्द ही सिमटते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो आतंकवाद फैलाया जा रहा था, जो आतंकवाद इन नेताओं द्वारा फैलाया जा रहा था, वो आतंकवाद आज चरम पर है। आज आतंकवाद मिट रहा है, आज आतंकवाद का नामो निशान खत्म हो रहा है। जो कह सकते हैं कि ये देश की जीत है, देश हित की बात है, जिसको लेकर आज महबूबा मुफ्ती बौखलाई हुई है। वो तो कहती थी ना कि हमको 370 फिर से चाहिए, हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, हम तिरंगे का सम्मान नहीं करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करेंगे। क्यों क्यों महबूबा जी क्यों? ये देश जान चुका है, अब आपको जो खेल खेलना था, आपको जो नंगा नाच करना था आपने कर लिया है, अब कुछ नहीं होगा। जो तांडव आपने बरसाया था कश्मीरियों पे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जीत है भगवा की। और आज जीडी बख्शी ने जिस तरह से महबूबा को धोया है, ये कहीं ना कहीं जूतों चप्पलों से भी बड़ा वार है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती पर ऐसी टिप्पणी आज जीडी बख्शी ने कर दी है कि महबूबा कभी सोच ही नहीं पाएंगी कि हम बदले में क्या कहें, क्योंकि उनको किसी पे तंज नहीं बल्कि देश को बर्बाद करना आता है। वो किसी पर तंज नहीं कसती बल्कि कत्ले आम करती हैं, और बदले में कश्मीर की जनता को मरवाती हैं। तो बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स अपनी राय लिखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो सच और सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। और पीडीपी नेताओं का क्या हाल है कश्मीर में, वो तो हमने आपको दिखा दिया, बस बारी है आपकी, आप भी उनकी औकात बता दीजिए कि पीडीपी नेताओं की औकात क्या है, जो कभी कश्मीर पर राज करते थे और लोगों की हत्याएँ करवाते थे और लूटपाट घुसपैठ कराते थे, इसीलिए आज कश्मीर की जनता ने बीजेपी को चुना है, इसीलिए आज कश्मीर की जनता ने देश हित की पार्टी को चुना है। ये सब हमारे शब्द नहीं बल्कि कश्मीर की जनता के शब्द हैं, जो हमने कश्मीरियों से बात की है, और जो कश्मीरियों ने बीजेपी को जीत हासिल कराई है वो सब कश्मीरी यही कह रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, बल्कि आज कश्मीर की जनता खुद अपने मनपसंद का नेता, चाहे वो ग्राम लेवल का हो या फिर शहर लेवल का हो या फिर राज्य लेवल का हो, अब कश्मीर की जनता बंदूक के डर से नहीं, महबूबा मुफ्ती के आतंकवाद के डर से नहीं, बल्कि अपने हिम्मत के साथ अपना लीडर चुनेगी। बाकी आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।